तो फ्रेंड्स, दांतों की सफाई के लिए हम सभी टूथब्रश का यूज़ तो करते ही हैं। जब तक टूथब्रश अच्छी कंडीशन में होता है हम उसे दांतों की सफाई के लिए यूज करते हैं, लेकिन जहाँ टूथब्रश ख़राब हो जाता है तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो लोग फेंक देते हैं, लेकिन कुछ घरों में टूथब्रश को एज ए क्लीनिंग ब्रश यूज किया जाता है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा यूज करती हूँ, लेकिन आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ उसमें बताऊँगी कि किस तरीके से टूथब्रश को हम और बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ आपको दो टूथब्रश लेना है, दो रबर बैंड लेना है। टूथब्रश के हेड पार्ट पे इस तरीके से रबर बैंड को लगा देना है और सेम वैसे ही नीचे वाले पार्ट पे भी हम रबर बैंड को लगा देंगे। आप चाहे तो सेलो टेप से इसे बढ़िया से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी अगर आपको इसे बनाना है तो आप इस तरीके से रबर बैंड का हेल्प ले करके इस टूथब्रश को ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब दिखाती हूँ कि इसे हम कैसे क्लीनिंग में यूज करेंगे। फ्रेंड्स, घरों में विंडोज़ वगैरह में कुछ अच्छे से अगर स्पेस नहीं होता है तो उस जगह पे खिड़की को जो है साफ़ करने में, उसकी जाली साफ़ करने में प्रॉब्लम होती है, उन जगहों पे आप इस तरीके से टूथब्रश को के हेल्प से डस्ट वगैरह को बढ़िया से क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एसी का विंडो है, यहाँ पे भी इसी ब्रश की हेल्प से पूरा डस्ट बहुत बढ़िया से साफ़ हो जाता है। दूसरे टिप की बात करेंगे तो मैंने ब्रश लिया है, कोई भी ब्रश आप ले लीजिए, और मैं एक ख़राब चाकू अपने पास हमेशा रखती हूँ कुछ ऐसे वैसे काम के लिए जहाँ पे चाकू ख़राब हो जाते हैं। तो इस चाकू को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब इसके हेड पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे तो बहुत आराम से कट हो जाता है इस तरीके से। अब इसका ये वाला पार्ट हम फिर से गैस पे गर्म करेंगे। आप चाहे तो कैंडल वगैरह की हेल्प से भी इसको आप हीट कर सकते हो। हल्का सा जब ये मेल्ट हो जाता है तो उस जगह इस जगह पे आप इसको इस तरीके से स्टिक कर दीजिएगा। तब तक इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरे वाले ब्रश का भी मैं यूज बताती हूँ कि इसको हमें क्या करना है। तो इसके हम हेड पार्ट को ही मेल्ट करेंगे, आपका जो ब्रश के जो वो है मेन ब्रश को संभालते हुए कि वो ना पिघले। जैसे जैसे हम इसे पिघलाते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। तो इसको मैंने एल शेप में फोल्ड कर दिया है। फ्रंट का पार्ट जो है, जो ब्रश का पार्ट है, वो फ्रंट की तरफ मैंने फोल्ड किया है। तो चलिए इन दोनों ब्रशों का यूज मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो ठंडा होने के बाद भी ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो बहुत ही क्यूट सा ब्रश वाइपर आपका तैयार है। इससे आप लैपटॉप का स्विच बोर्ड साफ कर सकते हैं, कोई भी पतली जहाँ पे स्पेस जहाँ पे कम जा पाती हो, इस तरीके से जो खिड़कियों का जो होता है उस फ्रेम, उसके अंदर भी आप बढ़िया से क्लीनिंग कर सकते हो। बहुत अच्छे से डस्ट वगैरह साफ हो जाते हैं। आप क्लीनिंग में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे ब्रश बना के रखिए, पुराने ब्रश का बहुत बढ़िया यूज है। और डस्ट देखिए बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया से सारे डस्ट जो है साफ़ हो जा रहे हैं इस छोटू से ब्रश की हेल्प से। आप इसे ड्रॉर वगैरह में भी क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो मल्टीपर्पज़ यूज आप इन तरीके के ब्रशों का कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस एल शेप के ब्रश का भी बहुत बढ़िया यूज है। आप देख सकते हो वाश बेसिन इस तरीके से, अगर आप ब्रश जहाँ पे भी आप उस नॉर्मल ब्रश नहीं यूज कर पाते हो वहाँ पे ये जो मुड़े हुए ब्रश हैं बहुत बढ़िया से क्लीनिंग में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो एक बार आप बना के रख दीजिए और जब भी जहाँ ज़रूरत हो इस तरीके से आप क्लीनिंग कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग इन ब्रशों से दोस्तों हो जाती है। हमारे घर के कोनों में ऐसी बहुत सारी जगह गंदगी छुपी होती है दोस्तों, कि अगर इस तरीके का टूथब्रश हम लोग यूज करते हैं तो वो बहुत बढ़िया से साफ़ हो जाता है। कमोड का ये वाला पार्ट अगर ऊपर का हम साफ़ करना चाहते हैं तो इस ब्रश की हेल्प से इसे हम साफ़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह चलिए मैं तीसरे ब्रश का यूज करके आपको दिखाती हूँ कि अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ। तो इस ब्रश को भी तोड़ना मरोड़ना है और एक अच्छा सा शेप देना है। तो इसे शेप देना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मेन ब्रश को जो पार्ट होता है वहीं हम उसको गर्म करते हैं, संभाल के गर्म करना पड़ता है और बहुत संभाल के इसे फोल्ड करना पड़ता है। तो यहाँ कॉटन के कपड़े की हेल्प से मैंने फोल्ड किया है, लेकिन वो हल्का सा स्टिक हो गया, कपड़े का ये दाग इस पर आ गया है। और ये देखिए, जैसा कि एक टॉयलेट क्लीनर का ब्रश होता है वैसे ही ये टेढ़ा हो गया है। और ये तो सच में, अगर आप फ्रिज का ये डोर का ये पार्ट आप इसको क्लीन करना चाहते हो इससे, तो बहुत बढ़िया साफ हो रहा है। ऊपर नीचे सारे एरिया को कवर करते हुए ये बहुत बढ़िया से क्लीनिंग में हेल्पफुल है। तो इस ब्रश को भी आप मल्टीपर्पज वे में यूज कर सकते हो, उस क्लीनिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी ऐसा ब्रश अगर आपने मोड़ के एक बार बना दिया तो। जिस भी डिब्बे में नॉर्मल ब्रश से साफ सफाई नहीं हो पाती, उस डिब्बे में आप इस तरीके से फोल्ड किए हुए ब्रश से उस डिब्बे के जो बॉटम को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हो। सपोज दैट आपके पास बॉटल ब्रश नहीं अवेलेबल है तो आप दो टूथब्रश को इस तरीके से कंबाइन करके और ब्रश को आप लंबा करते हुए टूथब्रश जो बॉटल है उसका क्लीनिंग कर सकते हो।
तो कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हर टाइम पे बॉटल ब्रश हमारे पास अवेलेबल रहे, कभी टूट गया, कभी नहीं है, कभी परचेज करना है, तो उन सब सिचुएशन में आप इस तरीके के टूथब्रश को बॉटल की क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो आप ऐसे टूथब्रश का यूज कर सकते हैं। तो इस एरिया पे देखिए नॉर्मल ब्रश से क्लीनिंग नहीं हो रही थी, लेकिन चूंकि ये झुका हुआ है तो इसने सिंक का ये ड्रेन सिस्टम की क्लीनिंग बहुत बढ़िया कर दी है। तो इस तरीके से अपने जहाँ भी आपको ज़रूरत समझ में आती है कि आप नॉर्मल ब्रश से वहाँ क्लीनिंग नहीं कर पाते हो, तो आप इस तरीके की शेप के ब्रश का यूज करके क्लीनिंग आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, मैंने पहले से एक ब्रश टेढ़ा किया हुआ है। पहले मैंने एल शेप में फ्रंट के साइड में उसको फोल्ड किया था, अब इसको मैंने बैक साइड में फोल्ड किया है। इससे भी डिब्बे वगैरह की क्लीनिंग बहुत ही इजी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे ब्रश का मैंने आपको यूज बताया है। तो ब्रश को इस तरीके से आप हल्का सा फोल्ड करके अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे आप बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। क्लीनिंग का घर का कोई भी कॉर्नर हो, आपकी क्लीनिंग जो है ना बहुत ही ईजी हो जाएगी। सबसे क्यूट तो ये छोटू सा पिंक वाला ब्रश वाइपर लग रहा था। तो सारे ब्रश के अपने अपने अलग यूज हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि किस ब्रश को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आई होप मैंने ब्रश की इतनी सारी टिप्स शेयर की हैं, इतने आइडियाज शेयर किए हैं, आपको कोई ना कोई जरूर पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।